हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि कार ड्राइविंग विद लाइफ फूड पैनल मोमेंट आपको करके दिखाओ, तो वो वीडियो मैंने बनाया था और अपलोड भी किया था। लेकिन आप लोगों ने फिर से मुझे रिक्वेस्ट किया है कि उस दिन का वीडियो जो था मैंने फुटवेयर पहन के किया था, तो आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं बेयर फुट कार ड्राइविंग करके आप लोगों को दिखाओ, सो दैट इट कैन बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फुट पेडल प्रेशर्स व्हिच आई एम अप्लाइंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो आज वो करके देखते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह है चाबी, तो डाल दिया है अंदर। पहली बारी ऐसे ऑन करेंगे तो लाइट्स एक्सेसरीज सब ऑन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लच फुल प्रेस करना है ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। गियर मेरा अभी भी न्यूट्रल पे है, ठीक है। तो क्लच मैंने फुल प्रेस किया हुआ है, गियर मेरा न्यूट्रल पे है। अब मैं दोबारा चाबी घुमाऊंगी हल्के से, तो इंजन मेरी स्टार्ट हो गई है अभी, ठीक है। गियर मेरा न्यूट्रल पे है इसलिए मैं क्लच छोड़ सकती हूँ, अभी गाड़ी आगे की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब मैं डालूंगी फर्स्ट गियर पे, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी मैं क्लच रिलीज करूंगी धीरे धीरे और बाइटिंग पॉइंट पे लाऊंगी अपना प्रेशर और उसके साथ एक्सेलेटर धीरे करके दबाऊंगी, तो गाड़ी मेरी आगे की तरफ मूव होनी शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे मैंने क्लच छोड़ दिया है, अब मैं डाल रही हूँ सेकेंड गियर में। स्पीड बढ़ गई थी मेरी तो मैंने सेकेंड गियर में डाल दिया है और ये स्पीड ब्रेकर मैंने क्रॉस कर लिया है, हल्का सा ब्रेक दबाया है और सेकेंड गियर में मैंने क्रॉस कर लिया है स्पीड ब्रेकर, तो गाड़ी मेरी चल रही है आगे की तरफ। तो गाड़ी की स्पीड मैं बढ़ा रही हूँ अभी, तो थर्ड गियर में डालूँगी। गाड़ी मेरी चल रही है आगे की तरफ और सामने एक स्पीड ब्रेकर है, तो मैं हल्का सा ब्रेक दबा के स्पीड को स्लो करूँगी। पहले स्पीड ब्रेकर बड़ा है इसलिए मैं फर्स्ट गियर में लेके जाऊँगी, आराम से निकाल लिया मैंने स्पीड ब्रेकर और अभी फिर से सेकंड गियर में डाल दिया है मैंने। गाड़ी मेरी चल रही है आगे की तरफ स्मूथ, सिर्फ मैं एक्सेलेटर धीरे से प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक टर्निंग है तो मैंने हल्का ब्रेक दबाया और टर्न ले लिया मैंने, तो सामने फिर से स्पीड ब्रेकर है। मैं सेकंड गियर में हूँ तो हल्का ब्रेक दबा के ही निकालूंगी मैं स्पीड ब्रेकर को। ये ब्रेकर कुछ ना बड़ा नहीं है तो मैंने निकाल लिया है, तो स्पीड बढ़ा दिया है मैंने, तो थर्ड गियर में डाल दिया है मैंने गाड़ी को। सिर्फ एक्सेलेरेट कर रही है और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है और फिर से स्पीड ब्रेकर, तो बड़ा है ये तो मैंने फर्स्ट गियर में डाला है और निकाल लिया है स्पीड ब्रेकर। फ्रेंड्स, स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आपने अगर स्पीड ब्रेकर क्रॉस करना कैसे है वो जानना है आपने, तो आप जाइए और मेरी वो उस वीडियो को देख के आप जान सकते हैं कि कैसे स्पीड ब्रेकर आप क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भीड़ है इसलिए हमने सेकंड गियर में ही रखा है गाड़ी को, अपनी स्लो करके ही रखा है। तो फिर से स्पीड ब्रेकर, तो ये ब्रेकर मैंने फर्स्ट गियर में क्रॉस कर लिया है और अब स्पीड बढ़ाऊंगी तो ग्रेजुअली मैं सेकंड गियर में अभी डाला है और अभी थर्ड गियर में डाल रही हूँ। स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है मेरी तो मैं गियर अप शिफ्ट कर रही हूँ। स्पीड मैंने और बढ़ा दिया है तो मैंने अभी फोर्थ गियर में डाल देना है। और अभी मैं सामने रोकने वाली हूँ गाड़ी को, क्लच और ब्रेक दबाऊंगी इसके लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, हम फिर से देखेंगे गाड़ी चला के, तो अब हम ऑपोजिट व्यू देखेंगे, मतलब बड़े स्क्रीन में रहेगा गाड़ी का व्यू और पेडल्स की जो व्यू है वो स्मॉल स्क्रीन में रहेगा, तो लेट्स सी इट अगेन।
तो फर्स्ट गियर में डाला है मैंने, गाड़ी को स्टार्ट कर रही हूँ, हाफ क्लच और एक्सेलेटर देना है धीरे करके, तो गाड़ी आपकी मूव हो जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्लच रिलीज़ करना है, जल्दी नहीं करना है इसमें, धीरे धीरे ही आपको क्लच रिलीज़ करना है। तो स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिया है मैंने फर्स्ट गियर में, और सेकेंड गियर में भी डाल दिया है मैंने, अब थर्ड गियर में डाल रही हूँ। स्पीड मेरी बढ़ गई है तो मैंने डाल दिया है थर्ड गियर पे। सामने स्पीड ब्रेकर, तो फर्स्ट गियर में क्रॉस किया है मैंने और फिर से सेकंड गियर लगा दिया है। आगे जा रही है मेरी गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखें, जब भी आप गियर चेंज कर रहे हैं तो क्लच पूरा दबाए और एक्सेलेटर से अपना पैर हटा लें। तो इस रोड में फ्रेंड्स बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है, तो मुझे बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो आप पहले अगर सीख रहे हैं तो आप किसी ऐसे रोड पे जाए जहाँ पे स्पीड ब्रेकर कम हो, तो इजी रहेगा आपके लिए। मैंने ये रोड लिया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पीड ब्रेकर है, टर्निंग है, तो आप देख सकेंगे फुट पेडल्स का एप्लीकेशन देख पाएंगे ज़्यादा, इसलिए मैंने ये रोड लिया है। तो यहाँ पे थर्ड गियर लगा दिया है मैंने फिर से, और सामने स्पीड ब्रेकर, सेकेंड गियर में क्रॉस कर लिया है मैंने ब्रेकर, स्पीड बढ़ गई है तो मैं थर्ड गियर लगाऊंगी और सामने गाड़ी को रोक दूंगी क्लच ब्रेक प्रेस करके। फ्रेंड्स आज मैंने चला के दिखाया है बियर फुट आप लोगों को, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अनुमान मिला होगा फुट पेडल प्रेशर्स का, तो आप लोग ऐसे ही ट्राई कीजिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बियर फुट ड्राइव करने के लिए, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है इसलिए मैंने बियर फुट चला के दिखाया है। जो लोग न्यू लर्नर स्पेशली उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो लोग बियर फुट चलाए, क्योंकि बियर फुट में आपका पैर जो है फुट पेडल के ऊपर से स्लिप हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेटर यही है कि आप फुटवेयर पहन के ही कार ड्राइविंग करें, वही सही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए गुड बाय।